है जो कि शाम 6 बजे तक चलती रहेगी और इस चुनावी प्रक्रिया में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। अगर बात करी जाए 10 जिलों के 57 सीटों पर तो 2017 में इनमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। निर्दलीय के पास 1 गई थी तो वहीं 48 सीटें बीजेपी के पास गई थी। बीजेपी गठबंधन को 48 सीटें मिली थी, सपा को 2 सीटें मिली थी, बसपा को 5 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 सीट मिली थी। यानी कि इस बार अपने उसी वर्चस्व को दोहराना काफी मुश्किल रहेगा। 57 में से 48 सीटें बीजेपी के पास गई थी और इस बार जिस तरह से अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, 10 जिलों के 57 सीटों पर आज जो चुनाव होना है काफी अहम है। यहाँ पे जातिगत वोटर ज्यादा है, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अगर इन सभी जगह की जिलों की बात करी जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो छोटे दलों पे भी निर्भर करती है। यही एक कारण है जिसकी वजह से बड़े जो दो दल हैं सपा और भाजपा दोनों ने गठबंधन किया है और यहाँ पे छोटे दलों की परीक्षा भी काफी अहम होने वाली है। सुबह से ही मतदान जारी है, ऐसे में मतदान केंद्रों पर कई बड़े चेहरे भी पहुंचे जो कि अब प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने मतदान किया, मतदान करने के साथ ही उन्होंने जनता से मतदान की अपील करी और इसी बीच हमारे संवाददाता रजनीश ने बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत भी की। क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रत्याशी ने, आप देखिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी दयाराम चौधरी जी। हम इनसे बात करेंगे वोट डाल के निकलने किस तरीके से अब की बार ये अपनी जीत की तरफ अग्रसर होंगे, तो विधायक जी क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? देखिए, छठे चरण का आज मतदान हो रहा है और बस्ती मंडल भी उसमें शामिल है। सवेरे सुबह मैं बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के क्षेत्रीय भ्रमण पर निकला हूँ। तमाम मतदान केंद्रों पर गया, मतदाताओं से मिला, आम लोगों से मिला, कार्यकर्ताओं से मिला और जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि बस्ती सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से कोई भी पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो या आपके सपा बसपा हो, उनको बहुत पीछे छोड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुका है, लोगों ने मन बनाया है। अगर हम बात करें किसानों को मुद्दों को लेकर, बस्ती में युवाओं के रोजगार के मुद्दों को लेकर, मिलों को लेकर, तो अभी भी कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो क्या मानते हैं अगर अब की बार जनता आपको जीत दिलाती है तो क्या क्या वादे आप पूरा करेंगे? देखिए, मेरा प्रयास तो हमेशा रहता है कि जो हमारे युवा हैं उनके हर हाथ को काम मिले और उसके लिए मैं प्रयास जारी किया हूँ। अभी जो शुगर मिल मुंडेरवा की थी, ऐसा नहीं है कि वो उसमें कहीं बेरोजगारों को नौकरी नहीं लगी, हजारों लोगों को नौकरी भी लगी, हजारों लोगों को वहाँ ठेला वाले, खुंचा वाले, चाय वाले का रोजगार भी लग गया, व्यापारियों के चेहरे पर भी मुस्कराहट आ गई। तो एक कोई अगर उद्योग लगता है उससे हजारों लोगों को फायदा होता है, उसमें किसान भी जुड़ा होता है और आपके उपभोक्ता भी जुड़े होते हैं। आपकी सरकार में केवल एक ही मुंडेरवा चीनी मिल चालू हुआ, लेकिन वाटरगंज जो बस्ती की बात करें तो अभी की वैसे वैसे ठप पड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वाटरगंज भी मिल चलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और पिछली सरकार से ही हम प्रयासरत हैं और आगे भी चुनाव जीतने के बाद आपको विश्वास दिलाते हैं कि वाटरगंज मिल चलाने के लिए मेरा लगातार प्रयास जारी रहेगा और मैं कोशिश से करूँगा कि बस्ती सदर की 2 चीनी मिलें हैं, एक तो चल रही है और दूसरी भी चलाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा, को भी मिल चले जिसे किसानों का भला हो, बेरोजगारों का भला हो और गरीबों का भला हो, छोटे मोटे व्यवसायियों का भला हो। एक उद्योग लगने से बहुत लोगों का भला होता है, ऐसी मेरी मंशा है। अपनी जीत को लेकर क्या आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? पूरी तरह आश्वस्त हैं। कोई भी सपा बसपा कांग्रेस हम लोगों के जीत से के बहुत पीछे हो चुके हैं। कमल खिलाया था यहाँ के लोगों ने आज वर्ष 2017 में, 2014 में, 2019 में और इन लोगों ने उसकी जड़ इतनी गहरी कर दिया है कि आगे आने वाले समय में भी कमल को सपा बसपा कांग्रेस मिलके भी लड़ें तो उसको हिला नहीं सकते हैं। कमल खिला था, कमल खिलेगा और कमल खिला रहेगा, ये मुझे विश्वास है। ये थे हमारे साथ सदर क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी जो है जयराम चौधरी जी ने साफ कहा अगली बार अगर मुझे इस विधानसभा से जीत मिलती है तो खासा हम युवाओं के लिए, किसानों के प्रति और हम मिल को लेकर
हम पुनः जो है और प्रयास करेंगे बस्ती का विकास और ज्यादा से ज्यादा कर सके। बस्ती से प्राइम टीवी के लिए रजनीश कुमार पांडे। इस बीच हमारे संवाददाता ने जो कि हिमांशु है गोरखपुर से संवाददाता, उन्होंने सांसद से बात करी है, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद से बातचीत करी है आज चुनाव के दौरान। क्या कहा है जयप्रकाश निषाद ने, देखिए। आज गोरखपुर में छठे चरण में चुनाव है। छठे चरण के चुनाव में 9 विधानसभा सीटों पे सभी 109 प्रत्याशी अपने अपने बल को अजमा रहे हैं, अपने दांव को लगाए हुए हैं। ऐसे में हम खड़े हैं गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, मठाधीश्वर होने के नाते, चूँकि गोरखपुर के बारे में आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर का वर्चस्व है, पूरी तरह से पैठ है, चूँकि लोगों की आस्था गोरखनाथ मंदिर में जुड़ी हुई है। नाथ समुदाय से आने वाला गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर ही नहीं पूर्वांचल में भी काफ़ी पैठ रखता है। गोरखपुर से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी आपका बहुत बहुत प्राइम टीवी पर स्वागत है। विधानसभा चुनाव है आज, सदर सीट से स्वयं योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं और प्रत्याशी के रूप में, और ऐसे में वो पहले 5 बार सांसद रहे हैं और इस बार विधान परिषद से चुन करके गए हैं, तो क्या लगता है कि क्या आंकड़ा रहेगा और कितना उनके विपक्षी प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण या फिर शोभावती शुक्ला जो कि सपा से हैं असर डाल सकती हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी, इनका कोई जवाब नहीं है। किसी भी सपा के या बसपा के पास कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं थे, वो तो ज़बरदस्ती कैंडिडेट इन लोगों ने उतारा। यहाँ से पूज्य योगी जी निर्विरोध चुनाव जीत जाते, कोई लड़ता ही नहीं, ये तो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए पार्टियों ने किया है। लेकिन आपको बता दूँ, पूछा प्रचंड बहुमत से यहाँ की जनता योगी जी को एक तरफा चुनाव जिताने जा रही है। यही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग फिर पूर्व बहुमत की सरकार बनाने के लिए कमर कस के तैयार हैं और एक तरफा वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, बात करें, आज हम लोगों ने पोलिंग बूथों का भी जायज़ा लिया है और पोलिंग बूथों पे गए और लोगों से जनता की राय पूछी कि किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, तो सबने विकास का और सुरक्षा का, महिलाओं ने महिला सुरक्षा का मुद्दा बताया और इसी सरकार को चाहती भी हैं कि वापस आए। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर सीएम योगी सत्ता में आते हैं और गोरखपुर से अपनी सीट निकालते हैं तो जीत का आंकड़ा क्या होगा। देखिए, पूज्य महाराज जी को जीत के आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूज्य महाराज जी के आंकड़े तो इतने होंगे कि लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि हमने महाराज जी के सामने चुनाव लड़ करके अपनी मट्टी पलीत कर दी, इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में ये गोरखपुर की जनता करने जा रही है। और रहा सवाल जो है सुशासन में पूज्य महाराज जी का कोई जवाब नहीं है। आज तक की सरकारों में जितना गुंडागर्दी माफियागिरी था, बढ़ावा मिला था, आज किसी गुंडे माफिया ऐसे अब अराजक तत्वों की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि पूज्य महाराज जी की सरकार में जरा सा चू करके दिखा दे, इनकी नानी याद आ गई, इस प्रदेश से लोग भाग करके दूसरे प्रदेशों में जेल में छुपने के लिए ज़बरदस्ती अपने बिना बुलाए जेल में जा करके अपना सुरक्षा समझते थे लोग। ये इसी सरकार महाराज जी ने चलाई है। ये जनता को पूरा पूरा मालूम है कि अगर हमें सुशासन कोई दे सकता है, मुझे अच्छा शासन दे सकता है, सबका ख्याल रख सकता है, यहाँ राम राज्य स्थापित कर सकता है, तो ये की शख्सियत इस देश की जो है डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। साफ कहना है जयप्रकाश निषाद जी का जो कि राज्यसभा सांसद हैं कि ऐसे में कि अगर वो वापस आते हैं तो फिर से बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर जो सीएम योगी की हर रैली में आप देखे होंगे, इस समय बुलडोजर का से प्रचार किया गया, बुलडोजर निकाला गया जिसपे बीजेपी का झंडा रहा, योगी की तस्वीर रही है। ऐसे में इनका कहना है साफ कि बुलडोजर किसी के भी घर पर चल सकता है, किसी भी अपराधी को छोड़ेगा नहीं, देखेगा नहीं कि वो कौन है। कैमरामैन उज्ज्वल के साथ हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, गोरखपुर। इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की आज जनसभा शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिर्जापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है,
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की जनसभा। जनसभा के मंच पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। देवकली इंटर कॉलेज में आयोजित हुई जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मिर्जापुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की जनसभा है आज, बड़ी खबर सामने आ रही है। जनसभा के मंच पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने पहुंचे, देवकली इंटर कॉलेज में आयोजित हुई जनसभा। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सभी राजनीतिक दल सातवें चरण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी अब प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। जनसभा के मंच पर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे भूपेश बघेल। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, देवकली इंटर कॉलेज में आयोजित हुई जनसभा। तो सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सातवां अंतिम चरण अभी बाकी है और ऐसे में सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और इसी बीच मिर्जापुर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।